हेलो एंड वेलकम टू स्क्रैच डीजे एकेडमी वीलॉग्स एंड दिस इज डीजे सू। वेल आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे यंग न्यू कमर डीजेस के लिए एक प्रॉब्लम है। हाउ टू कन्विंस योर पेरेंट्स एंड व्हाट आर द मिथ्स दैट पेरेंट्स हैव इन देयर माइंड रिगार्डिंग डीजेइंग। वेल आप में से कई लोग बहुत चैलेंज फेस कर रहे होंगे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए एंड हाउ टू डू डीजेइंग। वेल मेरा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि ये एपिसोड उनको ज़रूर दिखाइएगा एंड आई एम श्योर इसके बाद उनका माइंड सेट डीजेइंग को लेकर चेंज हो जाएगा। वेल सबसे पहला और एक कॉमन मिथ जो हर पेरेंट के माइंड में है, क्योंकि मैं कई सालों से डीजेइंग की काउंसलिंग ले रहा हूँ तो पेरेंट्स आके मुझसे सवाल ज़रूर पूछते हैं कि व्हाट इफ आर चाइल्ड गेट्स इनटू स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग व्हेन इट गेट्स इनटू डीजेइंग। वेल देखिए डीजेइंग के साथ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को रिलेट करना एक बहुत ही अलग चीज़ है और इसका डीजेइंग से कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक इंसान एक व्यक्ति अपने पर्सनल प्रोस्पेक्टिव से ही चुनता है। अगर आप कॉल सेंटर्स में जाएंगे, अगर आप कॉलेजेस के बाहर जाएंगे तो वहाँ भी हर इंसान स्मोक कर रहा है, कॉर्पोरेट ऑफिसेज के अंदर हर बंदा ड्रिंक और स्मोक कर रहा है, तो उससे डीजेइंग का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसान का, एक किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी एक यंग बंदे का अपना खुद का इनिशिएटिव हो सकता है कि उसको स्मोक या ड्रिंक करना है। इससे डीजेइंग हम किसी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करते। बहुत सारे इनफैक्ट ऐसे डीजेज हैं जो आज तक जिन्होंने ना कि अल्कोहल कंज्यूम किया है ना कि दे डोंट डू स्मोकिंग एज वेल एंड दे आर स्टिल स्टार डीजेज। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के खिलाफ रहते हैं और इसको बिल्कुल एनकरेज नहीं करते। तो पहला मैं पेरेंट्स को यही समझाना चाहूँगा कि देखिए ऐसा नहीं है कि डीजेइंग के अंदर आएंगे तो आपका जो बच्चा है वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग के लिए इन्फ्लुएंस होगा या उसको एक्सपोजर मिलेगा। ऐसा एक्सपोजर कॉलेजेस, स्कूल्स, आज के रेट में कॉर्पोरेट्स, आज के रेट में आपके कॉल सेंटर्स, यहाँ पर भी उतना ही है जितना नाइट क्लब्स में है। तो आप अपने माइंड से ये प्रोस्पेक्टिव प्लीज़ हटा लीजिए कि अगर मेरा बच्चा डीजेइंग करने लगेगा तो वो बहुत ड्रिंक करने लगेगा। ये आपको अपने बच्चों को खुद ही घर पे सिखाना पड़ेगा कि वो ना करे, क्योंकि हो सकता है कि वो अगर आईटी के अंदर भी जॉब करे तो वो ड्रिंक या स्मोक करना स्टार्ट कर सकता है। इसी के साथ जो पेरेंट्स का एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव आता है वो आता है कि हेल्थ इश्यूज़ रिगार्डिंग डीजेइंग। वेल देयर आर डेफिनेटली सम हेल्थ इश्यूज़ रिगार्डिंग डीजेइंग, जिसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीलॉग बनाया हुआ है जो आपको ये ऊपर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वेल जो हम लोग हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स की बात करते हैं डीजेइंग से, वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपके कानों को अफेक्ट करते हैं, जो उसको करते हैं, लेकिन उसमें मैंने उस वीडियो में मैंने आपको सोल्यूशंस भी दिए हुए हैं। और अगर मैं हेल्थ हैजर्ड्स की बात करूँ तो कौन सी इंडस्ट्री में आज के डेट में हेल्थ हैजर्ड्स नहीं है। अगर आप एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं तो 8 घंटे अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठेंगे तो भी आपको हेल्थ इश्यूज होंगे, इनफैक्ट वो आपको मेंटल इश्यूज भी क्रिएट करेंगे। और इसी के साथ मैं डीजेइंग में आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं कि डीजेइंग में जब आप व्हेन यू परफॉर्म और व्हेन यू आर एट अ क्लब और व्हेन यू आर एट अ गिग, यू लूज कैलोरीज, यू लूज अराउंड 300 to 400 calories अ गिग, सो इट कीप्स यू एक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर जॉब्स। कुछ हेल्थ हैजर्ड्स होंगे, ज़रूर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उन पर आप ध्यान ना दो या आप उनके ऊपर काम ना करो तो वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट करेंगे, वो बिल्कुल हट जाएंगे, इवेड हो जाएंगे कि अगर आप उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो हेल्थ हैजर्ड्स टिपिकली डीजेइंग में ऐसे कुछ नहीं है, अगर आप उन पर वर्क करें तो ऐसा आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा मिथ पेरेंट्स के माइंड में है वो है जॉब और इनकम स्टेबिलिटी के बारे में। वेल उसमें मैं सबसे पहली चीज आप सभी से पूछना चाहूंगा, क्या अगर डीजेइंग एक स्टेबल करियर ना होता, अगर उसमें अच्छी इनकम ना होती तो क्यों इतने सारे डीजेज इस इंडस्ट्री में होते, क्यों इतने सारे लोग इस इंडस्ट्री से काम करते। वेल हर इंडस्ट्री की तरह, हर काम की तरह, चाहे आप कोई भी प्रोफेशनल सर्विस में जाएं, आपको थोड़ा टाइम लगता है अपने करियर को स्टेबल करने में, उतना ही टाइम आपको लगता है डीजेइंग में। और अगर आप टैलेंटेड हैं, इफ़ यू आर 100% गिविंग इनटू योर आर्ट, यू विल डेफिनेटली सी अ गुड इंक्लाइन इन योर करियर। जैसे कि हर करियर के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, थोड़ी सी स्ट्रगल होती है, वैसे ही डीजेइंग और म्यूजिक इंडस्ट्री में भी है। तो ये ऐसा कुछ अलग नहीं है कि कुछ सालों के बाद आपका काम करना बंद हो जाएगा। उसके साथ कई पेरेंट्स ये चीज़ पूछते हैं कि बॉस हाउ विल योर करियर एंड, यानी कि 40-50 साल के बाद आप क्या करेंगे। वेल बहुत सारे सीनियर डीजेस जो इस एज में है, दे हैव स्टार्टेड देयर ओन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एंड सर्विसेज, वो कंसल्टेंट्स बन जाते हैं, एंड उसके बाद भी डीजेइंग हैज नो एज लिमिट। वी सी सीनियर डीजेस ऑफ 55 ईयर्स ऑफ एज परफॉर्मिंग एंड रॉकिंग देयर गिग्स। तो वो आपका अपना प्रस्पेक्टिव होता है, आपका अपना कैरी आउट होता है कि आप अपने आप को कैसे शेप अप कर रहे हैं टू एंड अप योर डीजेइंग करियर।
And as I said in the beginning, DJing is one very good career if you take it positively. अगर आप उसको कोई भी negative approach से करेंगे या आप drugs, alcohol, cigarette smoking के influence में आप आके अपने career को ख़राब करेंगे तो आप अपना DJing का नहीं कोई भी career ख़राब कर सकते हैं। तो parents को मैं specially समझाना चाहूँगा कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे आपका बच्चा अगर DJing में आएगा तो वो अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देगा। इट्स अ वेरी गुड करियर, इट्स अ वेरी ब्राइट करियर। इन फैक्ट अगर आप इसके बारे में और बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉल ऑन आर हेल्पलाइन एंड माई कोर्स कोऑर्डिनेटर्स विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू विद द बेस्ट नॉलेज। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं, ये सोचते हुए कि डीजेस, यंग डीजेस, स्पेशली जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे शहरों में बच्चे जो डीजेइंग करना चाहते हैं, जो अपने पेरेंट्स को ये समझा नहीं पा रहे कि डीजेइंग क्या है, हो सकता है उनके घर में इस वीडियो को देख के कुछ बदलाव आएगा। वेल, दिस इज डीजे सू साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।